इस एक्सटेंशन बोर्ड का एलईडी नहीं जल रहा था, इंडिकेटर जो होता है रेड कलर का, और इसमें जो स्विचेस लगे हैं चारों, चार प्लग्स हैं, चारों के अलग अलग स्विच हैं ऑन करने के उनके। एक तो मेन इस बोर्ड का प्लग लग जाएगा, उसके बाद चार स्विच हैं, तो वो भी काम नहीं कर रहे थे। तो मैंने सोचा खोल के देखते हैं कि क्या दिक्कत है अंदर, अगर कुछ पता चलता है तो मैं इसको खोल रहा हूँ। अब ये फ्यूज़ वाला है, तो इसमें एक फ्यूज़ भी होता है, तो उसको भी मुझे चेक करना होगा। अब यहाँ पे ये एक सीक्रेट था स्क्रू, वो खोला मैंने, स्टिकर से ढका हुआ था इसलिए नहीं खुल रहा था। और पीछे ये वाला नट भी नहीं खुल रहा है, इसको भी खोलना पड़ेगा। फिर उसके बाद तो पहली बार खोल के देखा, अच्छा मटेरियल है, कॉपर का लगा हुआ है, सही है, हैवी लोड भी सह जाएगा, मतलब वॉशिंग मशीन। अच्छा मैं बता दूँ सबको कि ये ए के ई का है और ये लंबी वायर वाला है, तो ये मेरे ख्याल से 200-250 के आसपास का लाया था मैं। हाँ 200-250 के आसपास का है, तो ये आपको मिल जाएगा अगर चाहिए तो दुकान से। ए के ई का है, बढ़िया मटेरियल का है, ये फ्यूज़ भी है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि इसमें तार वार कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सारे तारे भी सही हैं। फ्यूज़ निकाल के देखता हूँ, फ्यूज़ के अंदर कहीं फ्यूज़ तो नहीं उड़ गया। अगर फ्यूज़ उड़ जाता है तो वो अंदर से ब्राउनिश ब्लैकिश हो जाता है, तो ये भी ठीक है, फ्यूज़ भी मुझे दिख रहा है कि ठीक है। तो अब मैं इसको वापस लगा दूंगा। और इसमें ये भी चेक करना होगा कि ये जो एलईडी का इंडिकेटर है वो सही है। कैसे पता चलेगा? अगर वो ख़राब होता तो वो जल गया होता, मतलब थोड़ा सा ब्लैकिश हो गया होता, तो मुझे दिख रहा है कि ये ठीक है। जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसमें एलईडी के साथ सीरीज में, वो भी ठीक दिख रहा है, वो भी जला हुआ नहीं है, बदबू कोई नहीं आ रही जलने वाली, तो वो भी सही है। सारी वायर्स ठीक है, कोई वायर नहीं जली। अब अंदर की चीज़ मैं नहीं दे सकता, देख सकता, यानी कि स्विच के अंदर कोई स्विच अगर अंदर से ख़राब है तो वो मैं नहीं पता लगा सकता। बाकी आउटर से मैंने देख लिया, आउटर के हिसाब से सब कुछ मुझे ठीक ठाक दिख रहा है, सारी वायर्स, सारे स्विच, सारे प्लेट्स जो कॉपर के बने हुए हैं ठीक से सारे सेट हैं, लगे हुए हैं, फ्यूज़ ठीक से लगा हुआ है। मैं इसको अब बंद कर देता हूँ क्योंकि ये फ्यूज़ भी सही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं इसको बोलते हैं ग्लास फ्यूज़, ये छोटा सा ग्लास का बना होता है, ग्लास फ्यूज़ बोलते हैं इसको ज़्यादातर। मैक्सिमम क्या, सभी एक्सटेंशन बोर्ड्स में ये यूज़ होता है। तो अब मुझे कुछ नहीं दिखा, इसको बंद करते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। अगर मैं स्विच खोलने बैठा तो हो सकता है कुछ और ख़राब हो जाए, इतना बड़ा इंजीनियर तो नहीं, टाइम लगेगा इसमें बहुत। तो इसको ज़रा ठीक से लगा देते हैं अच्छे तरीके से एकदम, कि निकले ना, और इसको सही से लगा के उसके बाद इसमें सारे स्क्रूज लगा दूंगा। बढ़िया क्वालिटी का है ये एक्सटेंशन बोर्ड, लंबी वायर, वायर भी बढ़िया क्वालिटी की है, तो अगर लो तो ये लो भाई, मैं तो कहूँगा, क्योंकि यूज़ करके देख लिया बहुत मस्त है। आयरन भी चल जाएगा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ चल जाएगा, पंखे वगैरह सब। तो स्क्रू लगाते हैं, और वो जो सीक्रेट स्टिकर के नीचे वाला स्क्रू था उसको भी लगाना होगा। सब लगा के बढ़िया से हो गया ये, तो अब इसको लगा देते हैं बोर्ड में। ओके थैंक्स।